हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ टू शेयर कि मैं और तलाल और फारिया हम तीनों उम्रे के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह इन अ वीक। और उसके लिए हमने तैयारी करनी है, अहराम लेना है, अबाया लेना है। तो हम आज जो है वो जा रहे हैं चीज़ें लेने के लिए। हम लोग ब्रेडफोर्ड जाएंगे, वहाँ पे हमने एक ऑनलाइन शॉप देखी थी, बट हम सोच रहे हैं कि हम जाके ले आएँ तो अच्छी बात है। वैसे भी आज दिन भी अच्छा है और तलाल का ऑफ भी, और हम ईज़िली जा भी सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम ये काम जाके कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। बस अभी तलाल अंदर गए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए, घर भी लॉक करेंगे तो हम तलाल का वेट कर रहे हैं। और फारिया जो है वो ये बैठी हुई हैं। मैंने अपना दुपट्टा, ये अगर आप देखें, फारिया के ऊपर रखा है, क्योंकि ये मैं ऊपर रख के फीडर सेट कर दूँगी, क्योंकि मैंने आजकल ऊपर बैठना शुरू किया हुआ है। फारिया को हम पीछे बिठाने की आदत डाल रहे हैं। जी शहजादी मामा को देखे जाना है। शे हेलो हेलो हेलो। तो बस जो भी शॉपिंग करेंगे आपको दिखाएंगे। चलो क्या हुआ, दुकान खुला कर ली हो, कोई तरीका होना चाहिए इसका प्रॉपर साफ करने का। ये ऑनलाइन शॉप थी जो हमने देखी थी, तो हमने कहा यहाँ पे आके देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है। अल्लाह के लिए चीज़ें मिल जाएँ। कितना प्यारा है, मैंने बाहर डेकोर किया है। ओह नाइस। बड़ी फैंसी दुकान लग रही है। टू आवर सरप्राइज काफ़ी बड़ी दुकान है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। लाइक ये देखें, ये इतर पड़े हुए हैं, ये साथ में काफ़ी सारे जाय नमाज की वैरायटी पड़ी हुई है, लाइक गिफ्ट्स के लिए, और काफ़ी रीज़नेबल भी हैं, लाइक यूके के हिसाब से तो काफ़ी रीज़नेबल हैं। और आई डोंट नो ये लोग उमरा से आके गिफ्ट देते हैं यहाँ पे सबको या कैसे देते हैं। तो आले हराम देखने गए हुए हैं और फारिया ये जो है मुँह लटका के लेटी हुई है यहाँ पर। वो नीचे प्रैम नहीं जा सकती थी तो मैं ऊपर रुक गई हूँ, और वो सामने आपको शायद नज़र आ रहे होंगे वो अहराम वाला सेक्शन है। तो तलाल वहाँ पे जो है ना देख रहे हैं अपना अबाया, सॉरी अहराम, अबाया कह रही हूँ। और क्या लेने हैं, हाँ उसके बाद हमने अबाया मेरा देखने, वो ऊपर जाके देखेंगे, अल्लाह करे यहाँ से मिल जाए। मतलब मुझे बड़ा प्रॉपर सा अबाया चाहिए, ब्लैक कलर का और सारा। ये इन्होंने कहा तो है फर्स्ट फ्लोर है, अगर पूरा अबाया उसको दिया तो अच्छे तो होने चाहिए। ये पहला अबाया जो कि मैं ट्राई करने के लिए जा रही हूँ, अभी साथ लगा के देख रही हूँ। लग तो अच्छा रहा है, बड़ा सिंपल सा, प्लेन सा और फ्लेयर वाला भी है। सो लेट्स सी, उसके अलावा कलर्स तो और भी हैं, बट आई डोंट वांट अ कलर लाइक इस तरह के कलर का, मेरा इतना मूड हो नहीं रहा। आई जस्ट वांट अ प्लेन वाइट या ब्लैक अबाया। चलेंगे, फारिया तो रेडी है। कितनी छोनी लग रही है फारू। फिर मैंने ये अबाया ट्राई किया, मुझे बड़ी हाई होप्स थी इससे, बड़ा अच्छा लग रहा था पड़ा हुआ, लेकिन पहन के मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये कैसा लग रहा है। और स्कार्फ का कलर बहुत खूबसूरत है बट नहीं। और ये ब्लैक जो मैंने ट्राई किया ना, ओफ ये तो इतना प्यारा लग रहा था पड़ा हुआ, थोड़ा फैंसी था बट बहुत प्यारा था। और जब मैंने इसको पहने तो ये अबाया तो कहीं से भी नहीं है, इसको फ्रॉक कह सकते हैं बट अबाया नहीं। ये वाला एक अबाया जो है मुझे अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छा लगा है, बट इसका एक इशू है कि ये आगे से खुला है तो मुझे आगे से ओपन वाला नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अब यहाँ से वापस जा रही थी, हमने फारिया का स्काफ जो ले लिया और मैंने अपनी एक अबाया कैप ले ली, तो मुझे डमीन का एक पहना हुआ अबाया नज़र आ गया। उसका कलर ये बहुत ही लाइट है, तो मैं अब जल्दी से आई हूँ। बाकी हम ऑलमोस्ट बिल करा चुके थे, मैंने इनको कहा ज़रा वेट करें मैं ये ट्राई करूँ, तो मैं अब ये ट्राई करने लगी, फिर बताती हूँ कि मैंने लिया या नहीं लिया। तो माउंटेन वेयर आती है जिसकी वजह जाकर ली है। कौन वो? हाँ इधर से ली थी ना हमने। नहीं हमने तो वो वहाँ से ली। किधर से? इधर से ली थी। नहीं नहीं, हाँ तो शायद आपसे। तो अभी हम कहाँ हैं? जंक्शन से ठीक है। मैं अपने माइंड में चेशर रॉक्स पे आई हूँ। ओह माय गॉड, इतना हो गया। तो हम चेशायर ऑक्स क्यों नहीं गए? नहीं तो आपसे पूछा था हमने, अब शहर और क्या जाए करना है। तो एक ही बात है, इधर भी इतना ही टाइम लगा हमें। हाँ इन दोनों में सब टाइम कौन सा अच्छा
यार दोनों ही अच्छे हैं, देख लो। ये थोड़ा लेडीज की तरह का लाइक लेडी लाइक है और ये जरा बेबीज की तरह का है और एक ही ऑप्शन भी है। देख लो दो ले लो, कोई भी इनमें से दो ले लो। एक आइल से ये डन करते हैं, इसमें टू पीसेस हैं। ठीक है ठीक हो गया। और साइज भी ठीक है और इनमें सब आपकी कॉल है, चूज वन जो मर्जी कर लो। कंफ्यूज मुझे पता नहीं कि वो वाला ये वाला भी अच्छा है बेबी साइज़ पे, देख लो यार। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों। असल में इसके पास कमीज़ है, शायद बहुत है फारिया के पास, पाकिस्तान से सारे आए हैं, तो आई विल से दिस। तो वो ले लो, बस ये डन। या दोनों ले लो। चलो फिलहाल तीनों रख लेते हैं, अगर और कोई पसंद नहीं आया तो देख लेंगे, वरना ये तीनों ले लेंगे। डन हो। अब और कलर्स को देख लें। क्या आप भी पकड़ लेती हैं? अभी मुझे ये वाले जूते पसंद आए हैं, देखते हैं इसको पहना के अगर उसको पूरे आते हैं तो। और मैं सोच रही हूँ उसके लिए कुछ समर क्या पकड़ लूँ। हाँ जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो ये मिले हैं अच्छे, चलें सही है डन, ठीक हो गया। मैं अब इसके लिए कोई कैब देख लूँ। फिलहाल इसके लिए ये लेनी है, लेनी है मतलब ओके। हाँ I would still say this rust color, ये लिविंग रूम में बहुत खूबसूरत लगेगा। आप ऐसे चेक करें जैसे आप लेने लगे हैं। अच्छा मजा आता बैठ के। ओए मजेदार। येलो वाला ना? यस दैट्स वेरी नाइस, वेरी प्रिटी। गाइस हमारे साथ बहुत बड़ा हैंड हो गया है कि हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, तो हमने सोचा था कि 8 बजे तक, हमें लगा था कि 8 बजे तक जो है ना टाइम होगा। तो हुआ ये कि हमारे जो एक पास वाला जंक्शन था वहाँ पे हमने सोचा जाएंगे, पर वहाँ कॉल की वो 6 बजे बंद था, तो वी वर काइंड ऑफ श्योर। डज इट नीड मी? ओके दैट्स फाइन। तो हमारे साथ ये सीन हुआ कि हमें लगा कि ये तो डेफिनेटली 8 बजे तक खुला होगा, तो हमें आराम से पहली शॉप में गए, नेक्स्ट में वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने जब कहा मैंने कुछ ट्राई करना था, तो उन्होंने कहा कि वी यू कैन ट्राई, क्योंकि हम 6 बजे बंद हो रहे हैं। ऑलरेडी 5:42 हो चुके थे, तो वी वर लाइक 6 बजे बंद हो रहे हैं क्या मतलब है, क्योंकि हम तो अपनी एक लिस्ट बना के लेके आए हुए थे जो हमने ट्राई करनी थी, मतलब ख़रीदनी थी चीज़ें। तो बुरा सीन हो गया। अब ये माउंटेन वेयर हाउस वालों से रिक्वेस्ट किया है कि तलाल को ये बेल्ट बैग देख लेने थे, क्योंकि हमारी कल की फ़्लाइट है। तो तलाल अंदर गए हुए हैं, लेट्स सी क्या लेके आ रहे हैं कि वो बेल्ट बैग देखें, तो फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। देखो हर वक्त बारिश होती रहती है। हेलो शहजादी, हेलो प्रिंसेस, हेलो हेलो हेलो, मुझे बैग में रखा था। नहीं इन्होंने तो नहीं लिखा हुआ,
देख लेते हैं क्या रेट है। बस इतनी थी इनके पास। हर जगह सब्जी वाले होते भी नहीं। पूछ लेते हैं किसी से फिर। ये भी आ रहे हैं रोशन कुन्ना। ये जो बंदा आ रहा है ये उनका लग रहा है मैनेजर टाइप। सिक्योरिटी वाला कुछ बट कुछ सीनियर बंदा लग रहा है। ये तो लगेगा ही लगेगा। ये तो लगेगा ही लगेगा। फिर क्या होगा उठा ले। पीते तो रहते हैं हम। ये हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमें 12 वाला पैक चाहिए या 24 वाला। वैसे हम 12 वाला लेते हैं बट इस पर हम सोच रहे हैं कि हम 24 वाला ले लें ताकि यूज़ होता रहे देर तक और घर में वैसे भी एक्स्ट्रा हो तो अच्छा होता है चीज़। नहीं आई थिंक बड़ा ले रहे हैं, एक ही काफ़ी है फिर। और कुछ अभी हमने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। ग्रॉसरी इसलिए किया तब ताकि जब आएँ तो ना हो। ये मैंने बिला वजह एक मास्क खरीद लिया जो मैं हमेशा ले लेती हूँ। ये लिक्विड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हमने कहीं भी ट्रैवल करना होना तो हम लिक्विड मिल्क यूज़ करते हैं। कुछ कपड़े हमें यहाँ ऐसा पे फारिया के मिल गए थे कुछ क्या काफ़ी सारे, तो हमने वो भी सारे उठा लिए क्योंकि इसकी समर शॉपिंग भी काइंड ऑफ साथ ही हो जाएगी। यहाँ पर भी बहुत प्यारे ड्रेसेस थे और आपने ये सारी पिक्चर्स वगैरह बाद में देखेंगे जब मैं उसको पहनाऊँगी इंशाल्लाह। अभी ग्रॉसरी के बाद हमने सोचा था कि या एक दो चीज़ें और लेनी है वो देखेंगे या फ्रेंड्स की तरफ चले जाएंगे, तो बीच में फाया के डायपर चेंज करना पड़ गया तो मैं अब पहले डायपर चेंज कर रही हूँ फिर सोचेंगे। हाय गाइस, अभी अभी मैंने जो फारूक का डायपर चेंज किया है, डायपर चेंज हो गया है फाइनली। तो बस अब हम चलेंगे एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। And this is what I am wearing. I'm not sure if you can see, but it's really nice. मैंने बड़ा मज़ेदार हैक किया अपनी जैकेट को, उस हैक से छोटा किया which I really really like. और मैं आपको सामने पर दिखाती हूँ अभी और बस अब आगे शॉपिंग शुरू करते हैं। ये मैंने सोशल मीडिया पे एक हैक देखा था, ये मेरी लंबी जैकेट है तो उसको अगर इस तरह से फोल्ड कर लें तो वो फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने वही किया। बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है, बड़ी जेंसी वाली वाइब आ रही है कि फ्लेयर्ड पैंट्स के साथ मैंने क्रॉप टॉप या क्रॉप जैकेट पहने। मैम अंदर जा रही हैं। मैम हेलो मैम, नाराज़ हो गई हैं। हम लोग मैनचेस्टर में रहते हैं, यहाँ का मसला यह है कि यहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है, उससे हम इतना अनॉय हो जाते हैं ना। लेकिन कि अभी हम लोग पहले बाहर निकले थे जब शॉपिंग सेंटर से तो अभी बारिश हो रही थी, अभी भी काइंड ऑफ बारिश हो रही है तो हमें हर वक्त फिर बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। और बस अब ये शॉपर्स वगैरह गाड़ी में रखने की चीज़ें जो हम अब नहीं ले सके, तो हमारी फ़्लाइट कल शाम की है तो पॉसिबली हम सुबह उठ के तो बेल्ट बैग वगैरह फिर सुबह लेके आएंगे। गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि सीन क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ बट मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ। हुआ ये कि बेसिकली 8 बजे तक हर दुकान, मतलब हर दुकान हर जगह खुली हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन हुआ कि हमें लगा कि 8 बजे तक सब खुला होगा। हमारा दिल था पास ही एक है आउटलेट से वहाँ पे चलते हैं, वहाँ मैंने कॉल की, उन्होंने कहा हम 6 बजे बंद हो जाते हैं। उनका रेगुलर टाइम ही 6 बजे का है तो क्योंकि वो खुले हुए थे तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि यू नो आज वैसे बैंक हॉलीडे है किंग कॉरोनेशन की वजह से, लेकिन हमें लगा अच्छा चलो हम एक और आउटलेट है करीब वहाँ चलते हैं, वहाँ से जाके शॉपिंग करते हैं, वो खुला होगा और उसका टाइम 8 बजे होता है, ठीक है। अब हम आराम से शॉपिंग कर रहे हैं नेक्स्ट में, तो हुआ सीन ये हुआ कि 5:30 हो गए
तो मैंने एक जीन्स ट्राई करनी थी, मैंने उस लड़के से कहा कि यार मैंने जीन्स ट्राई करनी है तो फिटिंग रूम्स मुझे बता दो किधर। उसने कहा 5 बजे फिटिंग रूम्स बंद कर देते हैं। एंड मी एंड तलाल वर लाइक कि 8 बजे अगर दुकान बंद होती है तो 5 बजे फिटिंग रूम क्यों बंद कर देते हैं। तो उसने कहा नो वी क्लोज एट 6 टुडे। और हमारा तो बड़ा बैड सीन हो गया, हम तो वर लाइक कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। तो बेसिकली हुआ ये कि वो आउटलेट 6 बजे बंद हो गया और हमारे इतने सारे काम रहते थे, इतनी शॉपिंग रहती थी, वो सारी रह गई है। और अब हम जो हैं यहाँ पे रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी वैसे मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी वरना मैं आवाम को जरूर बता दी कि मेरी कॉफी के साथ क्या हुआ है, बट चलो इट्स ओके। मेरा ना मैं फिर दोबारा मोहसिन की कॉल आई, वो कहते हैं यार खैबर से मटन कढ़ाई मंगवा लेते हैं। तो मैंने कहा यार तू खाने की वैसे कि मैं वैसे चक्कर लगा लेते हैं। तो कहता नहीं, मुझे लगा शायद तुम लोगों को बर्गर इतने वो पसंद नहीं। दूसरी बेइज्जती होगी, दूसरी बेइज्जती होगी। मैंने कहा चल मैं आता हूँ, कहता मैं फिर ऑर्डर कर देता हूँ। मतलब उन्हें लगा कि हम खाने की वजह से नहीं आ रहे, कि हमें खाना अच्छे की ऑफर नहीं कर रहे थे। गाइस जो पहले हम गाड़ी में बात कर रहे थे ना, वो बेसिकली ये थी कि हमारे एक फ्रेंड्स, उन्होंने हमें इनवाइट किया है खाने पे। हम लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग में बिजी थे तो पहले हमने मना कर दिया, दे सेड कि हम बर्गर्स खिलाएंगे आपको, ठीक है, उसकी मतलब टेक अवे करेंगे। हमने मना कर दिया, उन्हें लगा शायद हम दोनों इतने पेटू हैं, दोनों मियाँ बीवी, तो हम बर्गर्स नहीं खाना चाहते, इसलिए हमने मना किया। तो फिर उन्होंने हमें दोबारा कॉल करके कहा कि तुम लोग को मटन खिलाएंगे, तुम लोग आ जाओ। और तलाल ने किया, मैंने तलाल से कहा आप मना कर देते ताकि हम प्रूफ कर सकें कि हम पेटू नहीं हैं। बट जैसे ही मटन का नाम सुना, तलाल ने कहा कि हम आ रहे हैं, तो ये हम मटन खाने आए हैं। खा लेंगे आप, खाया जाएगा आपसे ये? क्यों मेरे से नहीं खाया जाएगा? जितनी भूख लगी है ना। सो तो है, ये वाला हमारा जो उम्रे का प्लान बना ना, असल में बहुत ही अचानक बना है। ऐसी बात नहीं है कि हम वैसे बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, हम वैसे भी बड़े रैंडम से लोग हैं, लेकिन अब ये देख के हमारे हालात चेक करें, रात काफ़ी हो गया, अभी हम घर जा रहे हैं, कल हमारी फ़्लाइट, अभी हमने जाके सारी पैकिंग भी करनी है, अभी हमारी आधी ख़रीदने वाली चीज़ें भी रह गई हैं, और हम अभी तक जो है घर से बाहर फिर रहे हैं, और कल हमारी शाम की फ़्लाइट है। तो देखते हैं, साथ रहिएगा, पहुँच पाते हम एयरपोर्ट या नहीं। हम लोग अभी घर आए हैं और इस वक्त 12:34 हो रहे हैं, और आज ही रात को 9 बजे हमारी फ़्लाइट है, लाइक आज की रात है, तो कल की जो शाम होगी, लेकिन बेसिकली आज का ही दिन होगा, यू नो व्हाट आई मीन। तो मुझे याद आया कि हमने कुछ कपड़े ड्रायर में डाले हुए थे, वो खुश्क करने हैं, तो वो मैंने निकाल के लेकर आई हूँ। और वाई इज़ माई फेस लुकिंग लाइक दिस? खैर, सारा दिन की थकी हुई हूँ, तो अब पता नहीं क्या हालत हो रही है। एनी वेज, कपड़े वगैरह मैंने बाहर से आके चेंज किए, और मैं बिल्कुल जो है ना अब घर वाले हुलिये में आ चुकी हूँ। बिल्कुल तो नहीं, मुँह अभी मैंने धोने आके मुँह नहीं धोया, तो बस अभी मैंने कपड़े निकाले हैं, अब पैकिंग शुरू करने लगे हैं। उसके लिए मैंने मेडिसिन वगैरह रखना शुरू कर दी हैं, सॉरी मेरी बैटरी लो गई थी, मेडिसिन वगैरह मैंने रखना शुरू कर दी हैं। और क्या करने, कुछ काम अभी और रहते हैं, बहुत सारी पैकिंग रहती है, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। तो तलाल नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो आते हैं, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह पैकिंग शुरू करते हैं अपनी। और कुछ चीज़ें अभी भी हमारी लेने वाली रह गई हैं जो हम कल लेंगे, तो प्रॉबेबली मे बी मैं ये वाला वीलॉग यहाँ पे ख़त्म करूँ, और कल का वीलॉग जिसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे और जिसमें हम लोग साथ में कुछ और शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग तो नहीं, खैर ज़रूरी चीज़ें, तो वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी।